हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 4 जिसका हेडिंग है दास्ताने खिचड़ी। ये चैप्टर एक कहानी है और आई होप ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, तो हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दास्ताने खिचड़ी। एक बार शामू अपनी नानी से मिलने उनके गांव गया। वहां नानी ने उसे तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए। एक बार क्या हुआ, शामू नाम का एक युवक, मतलब एक आदमी, एक पुरुष अपनी नानी से मिलने कहाँ गया, उनके गांव गया। जैसे आप लोग जाते हैं ना छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहाँ, अपने मामा मामी के यहाँ, तो उसी तरह से शामू नाम का एक युवक अपनी नानी से मिलने उनके गांव गया, उनके घर गया। वहाँ नानी ने उसे तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए। अब जब हम लोग अपने नाना नानी के यहाँ जाते हैं तो प्यार से वो लोग क्या करते हैं, जो भी हमें पसंद होता है वो बनाकर खिलाते हैं। उसी तरह से शामू जब वो अपनी नानी के यहाँ गया तो उसकी नानी ने भी उसे तरह तरह के व्यंजन, मतलब बहुत से पकवान बनाकर या बहुत सी चीज़ें बनाकर खिलाई। जिस दिन उसने अपने गांव लौटना था उस दिन अब उसकी नानी ने उसे खिचड़ी खिलाई। अब शामू 3-4 दिन, सप्ताह भर, जितना भी वहाँ रुकना था रुका। उसके बाद उसको अपने गाँव वापस लौटना था। जैसे हम लोग भी रुक कर अपने घर वापस आते हैं, उसी तरह शामू भी अपने गाँव लौटने वाला था। तो जिस दिन वह लौटने वाला था उस दिन उसकी नानी ने उसे खिचड़ी बनाकर खिलाई। आप खिचड़ी जानते हैं ना क्या होता है, दाल और चावल को मिक्स करके खिचड़ी बनाई जाती है। तो उसकी नानी ने भी उसे खिचड़ी बनाकर खिलाई जिस दिन वो अपने घर लौटने वाला था। शामू ने खिचड़ी पहली बार खाई थी, उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। अब शामू ने क्या किया था, खिचड़ी पहली बार खाई थी और उसको स्वाद बहुत अच्छा लगा, मतलब उसको खिचड़ी बहुत टेस्टी लगी। उसने नानी से पूछा, नानी यह चीज़ तो माँ ने मुझे कभी नहीं खिलाई। उसने अपनी नानी से पूछा कि नानी ये चीज़ क्या है, ये तो मुझे अपनी माँ ने कभी बना के नहीं खिलाई, मतलब मेरी माँ ने ये चीज़ कभी नहीं बनाई, इसे क्या कहते हैं, इसे मैं घर जाकर इसे बनवाऊँगा और स्वाद ले लेकर खाऊँगा। शामू ने क्या कहा कि इसको क्या कहते हैं नानी, ये मेरी माँ ने मुझे कभी बना कर नहीं खिलाई, तो आप मुझे इसका नाम बताओ, मैं घर जाऊँगा तो माँ से इसे बनवाऊँगा और स्वाद ले लेकर, मतलब स्वाद से खाऊंगा। अरे शामू, इसका नाम खिचड़ी है, खिचड़ी, नानी ने बताया। तो उसकी नानी ने क्या जवाब दिया, अरे शामू इसे खिचड़ी कहते हैं, इसका नाम खिचड़ी है। शामू जानता था कि वह थोड़ी ही देर में खिचड़ी का नाम भूल जाएगा, इसलिए वह खिचड़ी खिचड़ी रटते हुए नानी के घर से चल पड़ा। अब शामू क्या था, भुलक्कड़ था, मतलब कोई भी बात वो भूल जाता था। भुलक्कड़ मतलब भूल जाना, उसे ज़्यादा देर कोई बात याद नहीं रहती थी और वो भूल जाता था। तो उसको पता था कि वो खिचड़ी नाम याद नहीं रख पाएगा, थोड़ी देर में भूल जाएगा। तो जब वो चला नानी के घर से तो क्या हुआ, नानी के घर से वो खिचड़ी खिचड़ी नाम रटता हुआ चला गया, मतलब वो भूले नहीं। जैसे हम लोग कोई आंसर याद करते तो नहीं, एक बार उसको बोलते हैं फिर दूसरी बार बोलते हैं, इसको रटना बोलते हैं। तो उसी तरह से उसको वो नाम याद रखना था, उसको खिचड़ी अच्छी लगी थी तो वो खिचड़ी का नाम रटते रटते नानी के घर से चल दिया। लेकिन रास्ते में चलते चलते वह कब खिचड़ी को खाचड़ी बोलने लगा, उसे पता ही नहीं चला। अब जब वो खिचड़ी खिचड़ी रटता हुआ जा रहा था तो गलती से खिचड़ी 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 करते हुए जा रहा था, उसके मुंह से खिचड़ी की जगह खाचड़ी खाचड़ी निकलने लगा और वो चलता रहा। उसको पता ही नहीं चला कि कब खिचड़ी से वो खाचड़ी बोलने लगा। थोड़ी देर बाद वह एक किसान के खेत से होकर गुजरा। अब चलते चलते वो कहाँ से निकला, एक किसान के खेत के पास से। किसान ने शामू के मुँह से खाचड़ी खाचड़ी सुना, वैसे ही उसने गुस्से में आकर शामू को दो थप्पड़ जमाए और बोला, नालायक खाचड़ी खाचड़ी क्यों बोल रहा है, तेरा ऐसे बोलने से तो चिड़िया आकर मेरे खेत की सारी फसल खा जाएगी, अब से तो सिर्फ उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलेगा, समझा। अब वो खाचड़ी खाचड़ी बोलते हुए कहाँ से निकला, एक किसान के खेत के पास से निकला। तो जब खाचड़ी खाचड़ी सुना उस किसान ने जिसका वो खेत था, तो उसको गुस्सा आया और उसने शामू को दो थप्पड़ मार दिए और क्या बोला उससे कि तू खाचड़ी खाचड़ी बोलेगा तो चिड़िया जो होती हैं वो मेरे सारे खेत की फसल को खा जाएगी, और ऐसा मतलब तू बोलेगा तो चिड़िया सुनेंगी, उनको लगेगा कि ये खाचड़ी खाचड़ी बोल रहा है, मतलब चिड़ी इस फसल को खा, तो चिड़िया क्या करेंगी, मेरी फसल को खा जाएंगी। तो वो उसको दो थप्पड़ मारकर बोलता है कि तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए और तू क्या बोलेगा, उड़चिड़ी उड़चिड़ी, अब से तू सिर्फ उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलेगा, मतलब चिड़िया उड़ जा। बेचारा शामू उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलता हुआ आगे चल पड़ा। अब शामू ने मार तो खाई ली थी, तो जो उस किसान ने बोला था उड़चिड़ी उड़चिड़ी ऐसा बोलते हुए आगे चला। थोड़ी दूर रास्ते में एक बहेलिए ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। अब थोड़ी दूर जब वो चला तो बहेलिया क्या होता है, चिड़िया पकड़ने वाला,
जो जाल बिछाकर चिड़ियाओं को पक्षियों को पकड़ता है उसे हम बहेलिया कहते हैं। तो बहेलिए ने क्या करा था, चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। जब उसने शामू को उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहते सुना तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। अब जब शामू ने उसको ये बोलते हुए सुना उड़चिड़ी उड़चिड़ी तो उसको भी गुस्सा आया और उसने शामू की पिटाई कर दी। पिटाई करते हुए क्या बोला, बेवकूफ़ अगर तू ऐसे उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलेगा तो मेरे जाल में चिड़िया कैसे फंसेगी। उस बहेले ने क्या बोला, अगर तू उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलेगा तो मेरे जाल में चिड़िया कैसे फंसेगी, वो तो उड़ जाएगी। अब अगर तूने उड़चिड़ी कहा तो तेरी खैर नहीं, इससे अच्छा है कि तू फंसचिड़ी बोल। अब शामू ने क्या कहा, शामू को मार कर उस बहेलिए ने क्या कहा, शामू की पिटाई की पहले और फिर क्या बोला कि तू उड़चिड़ी उड़चिड़ी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा तू ऐसा नहीं बोलेगा और तू क्या बोलेगा, फंसचिड़ी मतलब इस जाल में चिड़िया फंस जाए ऐसा बोलेगा। शामू मरता क्या ना करता, फंसचिड़ी रटता हुआ आगे चल पड़ा। अब शामू फिर मार खाई तो उसने क्या सोचा, अब जो बहेलिए ने मुझे बोला है वही मुझे बोलना पड़ेगा, तो उसने क्या बोला, फंसचिड़ी और वो आगे चल दिया। रास्ते में एक जंगल था जहाँ कुछ चोर छिपे हुए थे। जब उन्होंने शामू को फंसचिड़ी कहते हुए सुना तो उन्होंने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अब जब वो आगे बढ़ा तो एक जंगल में कुछ चोर छिपे हुए थे चोरी करने के लिए, तो उन शामू क्या बोल रहा था, फंसचिड़ी। अब जब उन चोरों के सरदार ने उसको फंसचिड़ी कहते हुए सुना तो उनको भी गुस्सा आया उसके सरदार को, और उन्होंने उनका सरदार बोला, उस चोर के सरदार ने भी क्या करा, शामू को पीट दिया पकड़ के, और उनका सरदार बोला इस तरह फंसचिड़ी बोलकर तो तू हमें फंसा ही देगा, अब अगर तूने फंसचिड़ी कहा तो तेरी खैर नहीं, अब तू यह बोलते हुए जा कि ऐसा सबके साथ हो। चोरों के सरदार ने शामू की पिटाई लगाई, मारा उसे और उसको क्या बोला कि तू अगर ऐसे बोलेगा तो तू तो हमें फंसा देगा, मतलब कोई हमें पकड़ लेगा क्योंकि वो चोर छिपे हुए थे, तो तू ऐसा नहीं बोलेगा और तू क्या बोलेगा, ऐसा सबके साथ हो। शामू ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो रटता हुआ चल पड़ा। रास्ते में एक शव यात्रा जा रही थी, जब उन लोगों के कानों में शामू की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने मिलकर शामू की इतनी धुनाई की कि उसको नानी याद आ गई। अब जब वो क्या बोलते हुए चला, चोरों के सरदार ने उसे क्या बोलने को बोला था, ऐसा सबके साथ हो, तो वो ऐसा ही रटते हुए आगे चला। तो जब वो चल रहा था ये बोलते हुए रटते हुए, तब उसे आगे क्या मिली है, शव यात्रा। शव यात्रा किसे कहते हैं स्टूडेंट, शव यात्रा उसको बोलते हैं जब कोई इंसान मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसे हम दफनाने या उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब हम जाते हैं, एक जो लोग चलते हैं उसको शव यात्रा बोलते हैं, लाश को उठाकर चलने वाले लोगों को, उनके समूह को हम शव यात्रा बोलते हैं। तो शव यात्रा मिली उसे रास्ते में, जब उन लोगों के कानों में शामू की ये आवाज़ पड़ी, शामू क्या बोल रहा था, ऐसा सबके साथ हो, तो शव यात्रा में शामिल लोगों के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी कि क्या बोल रहा है वो, ऐसा सबके साथ हो, तो उस शव यात्रा में शामिल एक रिश्तेदार ने, मतलब उस जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसका एक रिलेटिव, एक रिश्तेदार, उसने ये सुना तो उसने भी शामू को पकड़ कर मारा, पिटाई की, और उसको क्या बोला, जब उन शामू की इतनी धुनाई की कि उसको नानी याद आ गई, मतलब जब कोई हमें पीटता है तो हम क्या कहते हैं, अरे उसने तो मुझे इतना मारा कि मुझे नानी याद दिला दी, तो उसी तरह से उस रिश्तेदार ने शामू को इतना पीटा कि शामू को अपनी नानी याद आ गई। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे एक तो हमारा रिश्तेदार मर गया और तू कह रहा है ऐसा सबके साथ हो, तुझे कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं, तुझे तो यह बोलना चाहिए कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तब उन रिश्तेदारों में से एक क्या बोला आदमी कि एक तो हमारा रिश्तेदार मर गया है और तू क्या बोल रहा है, ऐसा सबके साथ हो, तो तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुझे क्या बोलना चाहिए, ऐसा किसी के साथ ना हो। अब शामू ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो रटता हुआ आगे चल पड़ा। फिर शामू ने क्या रटना शुरू कर दिया, आगे चला तब ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो। कुछ देर बाद वह रटता रटता एक बारात के पास से गुजरा, जैसे ही दूल्हे के पिता ने यह सुना वह शामू का गिरेबान पकड़कर उसे 2-3 चाटे जड़ते हुए बोला, क्या तू पागल है या क्या बक रहा है, यहाँ मेरी इकलौते बेटी की शादी हो रही है और तू कह रहा है ऐसा किसी के साथ ना हो, भाग जा यहाँ से वरना बुरी तरह पिटेगा। अब शामू क्या रटते हुए जा रहा था, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो जब वो रटता रटता हुआ चला तब क्या मिली उसको रास्ते में, एक बारात। बारात किसे कहते हैं, हम जब हम दूल्हे को बारात लेके शादी करने जाता है उसे हम बारात कहते हैं, लड़की वालों के घर पर जाता है, तो उसे रास्ते में एक बारात मिली। अब जैसे ही दूल्हे के पिता ने उस बारात में जो दूल्हा था उसके पिता ने यह शब्द सुना, शामू क्या कह रहा था, ऐसा किसी के साथ ना हो, तो दूल्हे के पिता ने जब यह शब्द सुना तो उसे 2-3 चाटे मारे, चाटे जड़ते हुए बोला, मतलब मारते हुए बोला कि क्या तू पागल है यह क्या बक रहा है, यहाँ मेरे इकलौते बेटे, मतलब मेरा इकलौता बेटा है, उसका एक ही बेटा था और कोई संतान नहीं थी,
तो इकलौते बेटे की शादी हो रही है और तू कह रहा है ऐसा किसी के साथ ना हो, भाग जा यहाँ से वरना बुरी तरह पिटेगा। पहले उसने दो तीन चाटे जड़ दिए दूल्हे के पिता ने, फिर क्या कहा कि तू अगर ऐसा बोलेगा तो मैं तुझे और मारूंगा, तू भाग जा यहाँ से और ऐसा मत बोल वरना तू बुरी तरह पिटेगा। यह सुनते ही शामू ने ऐसी दौड़ लगाई कि सीधे घर पहुंचकर ही दम लिया। अब शामू पिटते पिटते थक गया था, उसने जब और दूल्हे के पिता ने भी उसे मारा तो उसने पिटते हुए ऐसी दौड़ लगाई कि वो सीधा कहाँ पहुंचा, घर, मतलब दौड़ते दौड़ते सीधे अपने घर पहुंच गया। शामू को इस तरह हाँफते देख उसकी पत्नी ने पूछा, अरे नानी के घर से ऐसे हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? अब जब शामू घर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने उसको हाँफते हुए देखा तो उसकी पत्नी ने पूछा, अरे आप ऐसे हाँफ क्यों रहे हो, आप तो नानी के घर गए थे, इस तरह हाँफते हाँफते क्यों आ रहे हो? शामू, देख अभी मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, ज़्यादा बातें न बना, बस मुझे जल्दी से वह बनाकर खिला दे जो नानी ने खिलाया था, शामू ताव में आकर बोला। अब शामू गुस्से में तो था ही सही, उसने क्या कहा अपनी पत्नी से कि मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तू ज़्यादा बातें मत कर और मुझे वही चीज़ बनाकर खिला दे जो नानी ने मुझे बनाकर खिलाई थी, उस चीज़ का नाम तो बताओ तभी तो बना पाऊँगी, पत्नी ने कहा। उसकी पत्नी ने क्या पूछा कि आप मुझे उस चीज़ का नाम तो बताओ कि क्या बनाना है, मैं तभी तो बना पाऊँगी, नाम वाम तो मुझे याद नहीं, बस तू झटपट वह चीज़ बना दे। शामू ने क्या कहा, मुझे नाम वाम उसका याद नहीं है कि वो क्या चीज़ थी, उसका क्या नाम था, बस तू तो मुझे झटपट वो चीज़ बनाकर खिला दे। इतने पर भी जब शामू की पत्नी उसकी बात नहीं समझ सकी तो शामू गुस्से से बोला, बहुत बोलती है तू, अभी बताता हूँ तुझे। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को डंडे से पिटाई करनी शुरू कर दी। अब इतने पे भी अब शामू की पत्नी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो क्या बनाने को बोल रहा है, तो शामू को जब लगा कि ये नहीं समझ पा रही तो शामू गुस्से से बोला कि तू बहुत बोलती है और मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर उसने क्या करा, डंडे से अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर दी। जब तक उसकी माँ बीच बचाव कर पाती तब तक शामू अपनी पत्नी को मार मार कर अधमरा कर चुका था। अब उसकी माँ ने जब उसकी पिटने की आवाज़ सुनी उसकी बहू की, तो वो दौड़ कर आई और उसने अपनी बहू को बचाना चाहा, लेकिन जब तक वो बीच बचाव करती मतलब उसको बचाती तब तक शामू उसको क्या कर चुका था, बहुत बुरी तरह से पीट चुका था, अधमरा कर चुका था, मतलब मार मार के उसको अधमरा सा कर चुका था। तब उसकी माँ बोली, रे शामू बहू को इस तरह पीटते हुए तुझे जरा भी दया नहीं आई, तूने तो इसकी हालत एकदम खिचड़ी जैसी कर दी। खिचड़ी, याद आया, यही तो मैं इसे बनाने के लिए कह रहा था, शामू खुशी से उछलते हुए बोला। उसकी माँ ने क्या कहा कि अरे शामू तुझे बहू को पीटते हुए जरा भी दया नहीं आई और तूने तो इसकी हालत पीट पीट कर कैसी कर दी है, खिचड़ी जैसी। शामू की माँ ने कहा कि तुझे बहू को पीटते हुए बिल्कुल भी दया नहीं आई, तूने इसको मार मार कर इसकी हालत कैसी कर दी, एकदम खिचड़ी जैसी कर दी। खिचड़ी शब्द सुनते ही शामू को याद आ गया और उसने माँ से क्या बोला, मैं खुशी से उछलते हुए बोला, मतलब खुशी से प्रसन्न होकर उछलते हुए बोला, माँ मैं इसे यही तो बनाने को बोल रहा था। मानना पड़ेगा शामू, तू रहा भुलक्कड़ का भुलक्कड़ी, तेरी भूलने की इसी आदत का खामियाजा आज इस बेचारे को भुगतना पड़ा, उसकी माँ अपना माथा पीटते हुए बोली। माँ ने क्या कहा, शामू तुझे मानना पड़ेगा, तेरी भूलने की आदत का खामियाजा, मतलब तेरी भूलने की आदत का जो होता है परिणाम, वो किसको भुगतना पड़ा, तेरी पत्नी को, मतलब तेरी भूलने की आदत की वजह से आज वो पिट गई, उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। अब जैसे हम कोई भी कमी होती है हमें तो हम उसे क्या कहते हैं कि हमें इस कमी का खामियाजा भुगतना पड़ा आज तो। जैसे मैं आपको कुछ याद करने को देती हूँ और आप याद करके नहीं आते तो आपको पनिशमेंट मिलती, तो आप क्या कहते हो अपने दोस्त से, अपने मित्र से कि मैं याद नहीं करके आया, इसका तो आज मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मतलब पनिशमेंट मिलेगी। तो इसी तरह से उसकी भूलने की आदत, शामू की जो भूलने की आदत थी, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, उसकी पत्नी को। और उसकी माँ ने ये क्या बोला, माथा पीटते हुए बोला। तो स्टूडेंट, इस कहानी में आपको शामू नाम का एक युवक है जो अपनी माँ का इकलौता बेटा है और वो उसकी हर बात मानता है, लेकिन उसमें एक गंदी आदत है कि वो हर चीज़ भूल जाता है, उसे भूलने की आदत है और इस भूलने की आदत की वजह से उसे कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मतलब परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब इस चैप्टर की जो बुक की एक्सरसाइज है वो मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, हिंदी की कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने। लेकिन क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले आपको ये जो शब्द ज्ञान हेडिंग दिया हुआ है ये शब्दार्थ होते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले आपको चैप्टर 4 डालना है, पार्ट 4, उसके बाद उसका नाम डालना है चैप्टर का, उसके बाद आपको शब्द ज्ञान यानी शब्दार्थ हेडिंग लिखकर शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद आपको उसमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं कॉपी में। पहले शब्दार्थ लिखने हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लिखने हैं,
ये आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है और बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है, उसे कॉपी में नहीं लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।